नहीं मिली है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा आज दोपहर इस मामले की सुनवाई करेंगी। 3 अप्रैल को ईडी और केजरीवाल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि वे अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी विशेष अपवाद का दावा करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव या सीएम के रूप में अपनी स्थिति का हवाला नहीं दे सकते। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, के कविता को आज राहत नहीं मिली है, सबसे पहले इसी मामले पर आपको आपसे जानना चाहेंगे। जी रमा, इसमें के कविता की आप याद करें कि अंतरिम जमानत की याचिका को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था और लगभग उन्हीं ग्राउंड्स पर आज उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है उसको बढ़ा दिया है कोर्ट ने, क्योंकि ईडी लगातार ही कह रहा था कि के कविता को अगर इस समय रिहा किया जाता है तो अब तक जो जांच चल रही है वो प्रभावित हो सकती है और के कविता गवाहों को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। अभी जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी इंटरिम बेल को रिजेक्ट किया था उसमें भी कोर्ट ने इस बात को ऑर्डर में उसका जिक्र किया था कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि ईडी के दावों में कुछ तथ्य हैं, उन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने अपने कॉल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया, ये बात यहां पर कोर्ट ने ऑर्डर में कही थी। तो इन्हीं कारणों से ऐसा लगता है कि फिलहाल ईडी की जो 14 दिन और बढ़ाने की जो मांग थी न्यायिक हिरासत को, उसको कोर्ट ने उचित समझा और 23 अप्रैल तक की कविता को भी तिहाड़ में ही रहना होगा। हालांकि उनकी नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा, लेकिन आज ईडी की जो मांग थी उसको कोर्ट ने मान लिया। बिल्कुल, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है और के कविता की तरफ से क्या कहा गया था और कोर्ट का ये जो रुख रहा है ये किस वजह से रहा है। देखिए, के कविता ने अभी जो जमानत मांगी थी वो अपने बेटे के इम्तिहानों के चलते मांगी थी। उसमें कोर्ट ने लिखा कि उनके बेटे की लगभग 16 वर्ष है, वो इतना छोटा बच्चा नहीं है कि वो उनकी निगरानी के बगैर परीक्षाएं नहीं दे सकता है, उसको किसी तरह की दिक्कतें आएंगी। तो ये एक मांग जो थी उसको कोर्ट ने वाजिब नहीं पाया। दूसरा, यहाँ पर यह कहा गया था कि वो महिला है और पीएमएलए के कुछ प्रावधान है जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति कोर्ट कुछ नरमी बरत सकता है। हालांकि रमा, यहाँ पर ये जो प्रावधान रखा गया वो इसलिए रखा गया है कि कई बार जो महिलाएं कंपनियों में बोर्ड डायरेक्टर्स बना दी जाती हैं और उन्हें फैसलों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, उनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं। कल कविता के मामले में कोर्ट ने नोट किया कि वो पढ़ी लिखी महिला है, विधायक है और वो ये प्ली नहीं ले सकती कि उनको जानकारी नहीं है जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसको लेकर के जांच चल रही है, उसमें उनकी भूमिका प्रथम दृष्टया ईडी स्थापित करने में कामयाब रहा है, इसलिए वो भी जो उनका एक ग्राउंड था उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी 16 अप्रैल को और रेगुलर बेल उनको मिल पाती है या नहीं मिलती है ये देखना होगा, क्योंकि जो इंटरिम बेल में उन्होंने जो मांग रखी थी उनको कोर्ट ने नहीं माना और ये कहा कि बर्ताव किसी आरोपी के साथ अलग अलग नहीं हो सकता इस ग्राउंड पर। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में भी आज सुनवाई होनी है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है। जी रमा, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच जो है वो 2:30 बजे अपना आदेश देगी। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का जब रुख किया था तो उन्होंने दो बातें कही थी अपनी याचिका में। पहला, उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और दूसरा उन्होंने कहा था कि इस पर वो मेरिट्स पर बहस के लिए तैयार है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन उनको फिलहाल तुरंत रिहाई की राहत दी जाए। तो उनकी दो मांग थी, पहली ये कि मेरिट्स पर वो बहस के लिए तैयार है लेकिन उनको इमीजिएट रिलीज किया जाए, उस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया था और ये कहा था कि जब तक हम मेरिट्स को नहीं सुन लेते तब तक इस तरह रिहाई का आदेश देना संभव नहीं है। आज कोर्ट जब 2:30 बजे आदेश सुनाएगा इन दोनों बातों पर सुनाएगा कि क्या उनकी रिहाई जो जैसा वो दावा कर रहे हैं ईडी की ओर से वो गैरकानूनी है और क्या उनको अंतरिम राहत के तौर पर तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बिल्कुल विकास, बेहद अहम है ये दोनों ही बातें, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, आगे बढ़ेंगे।